रही मेरे प्रभु, उनका प्रादुर्भाव हुआ सूर्य वंश में। कहाँ हुआ? दशरथ जी के यहाँ। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल। अद्भुत शोभा है सूर्य वंश की। बड़े बड़े राजा अधिराजा दिलीप जैसे गोभक्त जन्मे, नंदनी की सेवा में जो छत्र लेके स्वयं पीछे पीछे चलते थे। उपत्तिकाओं में पहुंच गई हिमालय की नंदिनी, शेर प्रकट हो गया, नंदिनी को खाने के लिए वो धर्म ही था। लेकिन परीक्षा तो दिलीप जी की हो रही थी। दिलीप ने कहा मेरी माँ को अपना भोजन मत बनाओ, मुझे मुझे अपना भोजन बना लो। अपने आभूषण अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे दिलीप ने, और जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई व्याघ्र नहीं था, साक्षात नंदिनी की प्रेरणा से धर्म प्रकट हुए। और कहा दिलीप माता नंदिनी की कृपा से तुम्हें पुत्र होगा जो रघु के नाम से पहचाना जाए। रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ। और यहां तीन भारियाएं हैं, गंगा है, सरस्वती है और यमुना है। कौशल्या और सुमित्रा की महिमा दिखाई देती है देवियों, पर कैकेयी की महिमा नहीं दिखाई देती। वो वैसे ही है जैसे त्रिवेणी में सरस्वती दिखाई नहीं। अगर माता कैकेयी ने अपनी कीर्ति का त्याग ना किया होता तो हमें राजा राम तो मिलते पर भगवान राम ना मिलते। और जब भी कभी जीवन में कुछ ऐसा समय आता है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी हमें कहां देखना चाहिए? कहां? अपने गुरुदेव की तरफ देखना चाहिए कि उनसे हमें कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो। एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोरे सुतनाई, और तब उत्तरेष्टि यज्ञ कराया गया। चरु यज्ञ में देवता नारायण यज्ञ नारायण लेकर प्रकट हुए थे। तीनों भारियाओं ने दशरथ जी की वो चरु खाया, एक भाग सुमित्रा का चील ले गई, तो दोनों देवियों ने थोड़ा थोड़ा दिया। और भगवान स्वयं धरित्री की पुकार पर माता कौशल्या की कोख में आके विराजे। ये बताओ देवियों, अगर श्री हरि किसी माता की कोख में विराजे हों कैसी होगी वो माँ? भगवान जिसको जिसकी कोख को अपना आश्रय बनाए कैसी होगी वो माँ, और कैसी अनुभूतियां होती होंगी? कभी कभी बुरा जीव आपकी कोख में आ जाए ना तो आपके बुरे बुरे विचार मन में आते हैं। और कोई योग भ्रष्ट व्यक्ति आपकी कोख में आके बैठ जाए तो आपका चित्त भी त्यागी वैरागी बन जाता है। माताएं अंतर्वतनी हुई तो अरुंधति माता बार बार पूछती है दशरथ जी की पत्नियों से कि बताओ तुम्हारे मन में क्या दोहद होते हैं, क्या आता है? सुमित्रा कहती माते मुझे तो लगता है कि मैं कौशल्या की सेवा करती रहूं, कैकेयी की सेवा करती रहूं। तो माता अरुंधति कहती सुमित्रा तेरी कोख में तेरी दोनों सपत्नियों के पुत्रों के सेवक आके बैठ गए। माता कैकेयी कहती अरुंधति से माते मुझे लगता है कि मैं अपने केश की जटाएं बना लूं, बट का दूध लगा लूं, सारे अपने भवन के गहने वस्त्र दान कर दूं, किसी जंगल में मैं किसी वृक्ष के नीचे बैरागी बनकर बैठ जाऊं। तो अरुंधति माता कहती कि देवी ऐसा लगता है तेरी कोख में कोई त्यागी कोई तपस्वी आकर बैठ गया है। माता कौशल्या से पूछा जाता तो माता कौशल्या सकुचा जाती, माते मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सारे जगत की पीड़ा का हरण कर लूं, संसार में कोई भूखा ना रहे, कोई अतृप्त ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, मैं सबके मन का रंजन करूं, सबको धन्य करूं। तो माता अरुंधति कहती कौशल्या ऐसा लगता है तेरी कोख में जगत का तारणहार आकर बैठ गया है। वो पुण्यकाल प्रकट हुआ,
नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अतिशीत नगामा पावन काल लोक विश्रामा। देवी कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हुए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला सो सुख परम अनुपा। सुन वचन सुजाना रोद न ठाना। सब्सक्राइब करें साध्वी रतंभरा जी के यूट्यूब चैनल को और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।